हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज पावर ट्रांसमिशन के बारे में। पावर ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग सरकार का क्या गोल है, क्या एम है, कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पावर ट्रांसमिशन में जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो FY 32 तक 35% इंक्रीजमेंट का है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल मिलेंगे, साथ में दो कंपनियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा और ये दोनों ही कंपनियाँ SME बोर्ड में लिस्टेड हैं। दोस्तों, बड़ी कंपनियों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा आज सिर्फ और सिर्फ दो SME की कंपनियों के बारे में जो कि मुझे ठीक ठाक लग रही हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसके लिए मैं इन कंपनियों को आपके लिए साझा करूँगा। यहाँ पे कुछ डिटेल है जो कि आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया इज टारगेटिंग अ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी ऑफ 60,50,000 सर्किट किलोमीटर बाय एंड ऑफ 32। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो प्लान है 2022 से 2032 तक वो रिलीज किया गया था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा मंडे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है और इसको आप पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, गवर्नमेंट का गोल ये बराबर का है कि भाई हमें जो बिजली देनी है, जो पावर देना है, वो 2400 घंटे देना है, लेकिन व्यवस्था अभी भी उतनी सुगम नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कि ये डिटेल है ट्रांसमिशन एनर्जी के बारे में, जिसको कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बकायदे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगा, जैसे कि ट्रांसमिशन अपग्रेडेशन के बारे में बात की जा रही है। आप देखिए कि एडिशन 32,250 मेगावाट ऑफ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC बाय पोल कैपेसिटी इज आल्सो प्लान्ड टू बी एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। दोस्तों, जो हाई वोल्टेज वाले तार है उसको कौन सी कंपनियां बनाती हैं, तो पहले नंबर पे जो कंपनी उभर के आती है उसका नाम है KEI। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में KEI ने बहुत ही उम्दा रिटर्न दिया है, और आप देखेंगे कि पॉलीकैब भी दूसरे नंबर पे आती है जो कि हाई वोल्टेज की कैटेगरी में तार बनाती हैं। KEI पहले नंबर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि FY 23 से 27 तक क्या प्रोजेक्शन है इंडिया का। आप देखिए कि ये 1,14,000 सर्किट किलोमीटर एंड 1,000 मेगावाट HVDC बाय पोल कैपेसिटी। आप देखेंगे कि जो इसमें क्या होगा, किन किन कंपनियों को फ़ायदा होगा, तो इसमें जो केबल वाली कंपनियां हैं उनको तो फ़ायदा होगा, साथ में जो ट्रांसमिशन की हैं, जो ट्रांसफार्मर बनाती हैं, साथ में वैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा जो पोल बनाती हैं जहाँ पे ये चीज़ें लगाई जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड ऑफ 27 तक क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम माफ़ करना, थोड़ा सा पीछे हो गया है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि FY 23 से 27 तक जो इनका प्रोजेक्शन था मैंने आपको बताया, FY 27 एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज लाइकली टू बी एट 5,70,000 किलोमीटर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, जो कुल मिला जुलाकर एक यहाँ पे आप देखिए कि FY 23 to 33 66,750 मेगावाट यहाँ तक इंक्रीज करने वाले हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है HVDC बाय पोल कैपेसिटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे और देखेंगे कुछ और मुद्दों के बारे में, कुछ मुद्दों को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम देखने वाले हैं दो स्टॉक जो कि आपको ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन इन द सेंस कि ये जो है कि ट्रांसफार्मर रिलेटेड है। आप देखना कि सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के बारे में मैं बात करूंगा आज। आप देखिए कि 420 का हाई है, 95 का लो है, काफ़ी ज़्यादा एक करेक्टेड प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, 50% करेक्ट हो चुके हैं लगभग, मैं बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। अभी ये जो है कि अपना लो 50% तक पर एग्जैक्ट गए भी थे, जिन्होंने बाय करना था वो किए भी, लेकिन आप देखिए कि मार्केट कैप कितना है, 600 CR का है, और ROE ROC में
कोई शिकायत नहीं आपको देखने को मिल रही है। पे रेशियो के हिसाब से ये अभी भी अंडर वैल्यूड है और फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे हम डायरेक्ट ईयरली रिजल्ट पे चलेंगे। आप देखिए कि जून 24 का भी रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में इस स्टॉक में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी के सेल्स हैं। आप देखिए कि कुछ कंपनियाँ सालों साल सोई रहती हैं, फिर उसके बाद एकाएक बहुत उमदा रिटर्न बना के देखती हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए 1 करोड़ से मार्च 24 में 14 करोड़ हो गया, 14 करोड़ हो गया, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि कितना उमदा है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है कि हमें एक विश्वास के साथ कंपनियों में निवेश करने के एक हुनर चाहिए, एक वो चाहिए कि भाई हमें कन्विक्शन है भी नहीं कंपनी के ऊपर, इतना हमें चाहिए। कंपनी जो वादा कर रही है सबसे ज़रूरी बात है उस वादे को पूरा कर भी रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कंपनी ने कह दिया कि भाई जो मेरा ये सेल्स है, जो सेल्स ग्रोथ है, ये अभी 107 करोड़ दिख रहा है ना, मैं इसको 2026 तक इसको 500 करोड़ करूँगा, तो क्या वो 2025 तक इसको 250 पे कम से कम ले आ पा रही है या फिर 225 करोड़ पे ले आ पा रही है, तब तो हम विश्वास करेंगे ना। और कंपनी ऐसे ही हवा में, कुछ कंपनियां हवा में बात करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण कि उनका प्राइस वहीं पर रह जाता है और निवेशक का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि भरोसा उठ जाता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि FII ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है। आप देखिए कि 9.21 से 3.87 हो गए हैं, और DII ने भी हल्का सा डाइल्यूट किया है, और पब्लिक के पास अब 30% की होल्डिंग बची है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो इसमें HNI भी हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.80 और 2.37% के स्टेक के साथ। तो पहली कंपनी तो यह रही सुप्रीम पावर इक्विपमेंट। दूसरी कंपनी के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि वो कंपनी क्या काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट है, ये पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर, विंड मिल ट्रांसफार्मर जैसे प्रोडक्ट पे काम करती है। अच्छा, अगली जो कंपनी है उसका नाम है काइसी एनर्जी इन्फ्रा लिमिटेड। इसके बारे में मेरी विस्तृत वीडियो है, आप जरूर जाके देखना, जरूर चेकआउट करना। मैंने सुप्रीम पावर इक्विपमेंट पे भी वीडियो बना रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ये कंपनी काम करती है। 314 करोड़ का मार्केट कैप है, आप यहाँ पे देख पाओगे। 287 का प्राइस है, 424 का हाई है और 171 का लो है। 46 का पी है स्टॉक का, इंडस्ट्री का पी 28 का है। ROE ROC में कोई शिकायत नहीं है, और आपको देखने को मिलेगा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब कंपनी लिस्ट हुई ना, तभी इन्होंने अपने होल्डिंग को डाइल्यूट किया था, जो प्रमोटर थे उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें कुछ HNI भी है 2.34% के स्टेक के साथ। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट अभी ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट डाउन है, एक अप ट्रेंड में रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और जो कंपनी है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इनक्रीज की है। यहाँ पे मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये कंपनी अच्छा करने वाली है। यहाँ पे आप रिजर्व भी देख सकते हो, 33 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 26 का है, और फिक्स्ड डेट 16 करोड़ का है। कंपनी लगातार CWIP भी कर रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैंने बात कर लिया है। तो काइसी एनर्जी को भी आप अध्ययन जरूर करना, जाके देखना, जरूर चेकआउट करना। दोनों ही SME की कंपनियां हैं और आपको लॉट में पैसे लगाने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दो IPO आने वाले हैं, और एक IPO तो 21 तारीख को खुल रहा है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वारी एनर्जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वारी एनर्जी लिमिटेड का IPO आ रहा है, और दूसरा जो IPO आने वाला है उसका नाम है NTPC ग्रीन एनर्जी। आप NTPC का एक शेयर जरूर अपने खाते में रखिए, और जितने भी अकाउंट से लगाना है उतने अकाउंट से लगाइए, क्योंकि 100% का गेन मिलने वाला है। साथ में लिस्ट होने के बाद भी ये 100% गेन देने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। तो वारी एनर्जी का IPO आप मस्ट है लगाइए। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो किसी भी शेयर के लिए आप बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। जो मेरा पर्सनल व्यू रहता है उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।